हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटर एपीआई। आज का हमारा प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ बलून्स। दोस्तों हम ये प्रॉब्लम को तीन पार्ट में करेंगे। एक तो प्रॉब्लम को पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद जो इनपुट सॉल्यूशन हमको दिया है उसके हिसाब से हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से हो सकता है वो बिल्डअप करने का ट्राई करेंगे और उसका कोड समझ के उसको रन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले ये प्रोग्राम एक बार ट्राई करें और उसके बाद उसको सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलो फिर दोस्तों हम चलते हैं हैकर अर्थ के प्रोग्राम के अंदर विद कॉस्ट ऑफ बलून्स। ठीक है, तो हम है कॉस्ट ऑफ बलून्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है कि यू आर कंडक्टिंग कॉन्टेस्ट एट योर कॉलेज। दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड टू प्रॉब्लम्स एंड एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। You know the problem that candidate will solve during a contest. You provide a balloon to a participants after he or she a problem. So इतने में हम क्या कहा है कि भाई हमारे पास दो problem दिए जाएंगे और उसके against हमारे पास n number of participants होगा। हम लोगों को balloon दिया जाएगा जो भी problem solve कर लेगा, किसको? He or she को। ठीक है, There are only green and purple color balloon available in the market. Each problem must have balloon associated with it as a prize of solving specific problem. जो कोई problem solve करेगा उसको किसी एक color, green color का या purple color का, कोई भी एक color का balloon दिया जाएगा। You can distribute balloon in each participant by a programming of following operation. तो क्या क्या है उसके अंदर, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ऐसा लिखा है कि use a green color balloon for the first problem एंड अ पर्पल कलर बलून फॉर द सेकंड प्रॉब्लम। और सेकंड चीज वाइस वर्सा लिखिए, इसमें ऐसा लिखा है कि पर्पल कलर बलून ऑफ अ फर्स्ट प्रॉब्लम एंड ग्रीन कलर बलून एज अ सेकंड प्रॉब्लम। ओके, अभी हमारा टास्क क्या है कि यू आर गिवन अ कॉस्ट ऑफ द बलून्स एंड प्रॉब्लम्स दैट ईच पार्टिसिपेंट सॉल्व। योर टास्क इज टू प्रिंट अ मिनिमम प्राइस दैट यू हैव टू पे अ परचेस बलून। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि बलून का प्राइस दिया जाएगा, पार्टिसिपेंट्स में किसने कौन से किसने कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया वो भी दिया जाएगा, और हमारा कौन सा इन दोनों में से कि किसको ग्रीन दे और किसको पर्पल बलून दे उस हिसाब से हमको मिनिमम प्राइस खोजना है। ठीक है, तो उसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। तो पहली लाइन में क्या देना है कि डिनोट्स द नंबर ऑफ द टेस्ट केसेस। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसकी नेक्स्ट लाइन के अंदर कॉस्ट ऑफ ग्रीन एंड पर्पल कलर बलून। उसका नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, एंड दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिए जाएंगे। ठीक, एंड उसके नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या है कि एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो भी सॉल्व करता है वो दिया जाएगा। उसके अंदर आपको एक चीज लिखी है वो समझा देता हूँ, इसके अंदर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ jth इंटीजर एन ith इज अ 1 दैट डेपिकेट्स द ith हैज सॉल्वड द j प्रॉब्लम। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि जो भी नंबर 1 एंड 0 दिए जाएंगे जिसके अंदर 1 नंबर होगा उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एंड आउटपुट तो उनको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ दैट बलून यू हैव टू गेट। ठीक है, अभी ये देखो मेरा प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर लिया है, माई सबमिशन में भी जाके देखोगे तो मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन इनका टेस्ट केस जो है उसके लिए मैं आपको हम लोग कैसे हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते उस हिसाब से हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब लोग हम हमारे चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल वन। ठीक है, तो उन लोगों ने दो टेस्ट केस दिए थे, तो इसके ऊपर उन लोगों ने समझ लो ये प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर दो टेस्ट केस लिखा होगा, उसमें से ये पहला टेस्ट केस ये रन होता है। ठीक है, तो समझ लो उन लोगों ने दिया है बलून का प्राइस 9 और 6। ठीक है, तो ग्रीन कलर का 9 गिन लो और 6 कलर का पर्पल गिन लो। ठीक है, 6 रुपीज का ये मिलता है, ये 9 रुपीज का मिलता है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 10, जिसमें से पहले पार्टिसिपेंट ने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए बिकॉज दैट बोथ आर 1, दूसरे पार्टिसिपेंट ने भी दोनों सॉल्व किए हैं बिकॉज दैट बोथ आर 1, तीसरे ने फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तीसरा वाला किया, दूसरा वाला किया, चौथे ने दोनों में से एक भी नहीं किया है, एंड कंसेक्यूटिवली आप समझ सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से है। अभी हमको क्या करना है कि कौन से पार्टिसिपेंट ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम कितने पार्टिसिपेंट ने सॉल्व किया है वो ढूंढना है, और सेकंड प्रॉब्लम कितने पार्टिसिपेंट ने सॉल्व किया है वो हमको ढूंढना है। तो अभी हम इधर देखें
तो फर्स्ट कॉलम है एक हमारे पास और दूसरा सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट कॉलम के अंदर देखें तो 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो तीन लोगों ने सॉल्व किए हैं, और दूसरा जो प्रॉब्लम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो 7 लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो अभी हम दो केस गिन सकते हैं, ठीक है। हमको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, मतलब ये चीज के अंदर समझ लो हमारे पास दो बलून दिए गए तो हमारे पास दो कॉस्ट मिल सकती है, उसमें से हमको मिनिमम कॉस्ट वाली निकालनी है। देखना, ये ध्यान से देखना, हम लोग इसको ये जो सेम चीज जो समझ रहे हैं ना, वो सेम चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो 9 रुपीज वो किन सा है, कलर का है, तो ये इधर से हम लोगों ने 9 लिया। 3 नंबर ऑफ 3 क्या है, तो वो फर्स्ट प्रॉब्लम जितने लोगों ने सॉल्व किया है वो लिया है, तो 9 3 27। एंड 6 रुपीज इज अ कलर, ठीक है। एंड 7 पार्टिसिपेंट्स हैव सॉल्व, सो एक को 9 रुपीज वाला 3 लोगों को दिया, 6 रुपीज वाला 7 लोगों को दिया, तो विच इज 42। सो 27 + 42 कितना हुआ, 69। एंड दूसरा वाला केस ले तो 9 रुपीज वाला कलर है, तो ये 7 लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। अभी हमारा ये दूसरा केस है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया है, 9 रुपीज का कलर लिया है और 7 पार्टिसिपेंट लिए, मतलब वो उसको पहले वाले को 3 दिया था फर्स्ट केस के अंदर, दूसरे वाले को हम लोगों ने चेंज कर दिया जिसको सेकंड वाले पार्टिसिपेंट से गिनते हैं, और फर्स्ट वाला जो 6 रुपये वाला कलर था उसको 3 पार्टिसिपेंट्स के साथ गिनते हैं, ठीक है। सेम चीज को वैसे वर्षा कर लिया तो हमको कितने मिलेंगे, 63 + 18 = 81। सो विच वन इज मिनिमम, 81 एंड 69, विच इज अ 69। हम लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है, 1 एंड 9। इसके अंदर भी इनपुट कितने हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स का, तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स ने कितने सॉल्व किए, 1। तो हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में से कितना हुआ, 1। दूसरे पार्टिसिपेंट ने कितने सॉल्व किए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कितने सॉल्व किए, 5। अभी केस 1 इसके हिसाब से क्या बनता है, 1 रुपये वाला जो प्रॉब्लम था वो एक बंदे ने सॉल्व किया, तो कितना हुआ, 1 × 1, 1। और 9 रुपये वाला जो प्रॉब्लम था वो कितने लोगों ने सॉल्व किया, 45। तो 1 + 45 = 46। अभी सेम चीज उल्टी तरीके से, 1 रुपये वाला जो कलर का जो जिसका बलून मिलता है वो 5 बंदों ने सॉल्व किए, तो हमको कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया। और 9 रुपये वाला जो कलर का मिलता है वो एक ही पार्टिसिपेंट ने सॉल्व किया है, ठीक है। इधर से हम लोग एक पार्टिसिपेंट, तो कितना हो जाता है, 9। तो 9 + 5 = 14। सो व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू बिटवीन 46 एंड 14, सो विच इज अ 14, ठीक है। अभी इसका कोड हम लोगों ने सेम लॉजिक जो इधर लिखा है इसका कोड हमने अप्लाई किया है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कोड की ओर, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट ऑफ बलून किस तरीके से लिखा जाता है, हम लोगों ने पहला लाइन क्या लिया हुआ है कि भाई ये कितने टेस्ट केसेस है, तो हम लोगों ने टेस्ट केसेस का एक लूप घुमाया हुआ है, किधर तक लूप है, पूरा तक लूप है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिया है हम लोगों ने, कलर, कलर हमको स्पेस सिर्फ इंटीजर लिखा था तो हम लोगों ने उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कलर 1 जीरोथ इंडेक्स से लिया और कलर 2 फर्स्ट इंडेक्स से लिया, ठीक है। अभी कितने पार्टिसिपेंट्स मिलने वाले हैं, तो उसके हमने इनपुट लिया, br.readline हमको स्ट्रिंग में मिलता है, तो हम लोगों ने integer.parseInt से कन्वर्ट कर लिया। अभी हमको क्या गिनना है, हम लोगों ने उधर जो प्रॉब्लम था उसके अंदर क्या गिना था, हम लोगों ने गिना था नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विच प्रॉब्लम सॉल्व बाय अ फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व बाय हाउ मेनी पार्टिसिपेंट एंड सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व बाय हाउ मेनी पार्टिसिपेंट। सो हम लोगों ने ये पार्टिसिपेंट जब ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको 1000 और 11 ऐसा कुछ तो इनपुट मिलता है, तो हम लोगों ने चेक किया कि भाई ये जो नंबर 1 आता है वो 1 प्रॉब्लम सॉल्व किया है और सेकंड है ये सेकंड वालों ने सॉल्व किया, ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम में से, तो हम लोगों ने अभी टोटल निकाल लिया कि कितने लोगों ने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है। तो 1 एंड 2 ऐसा लिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम एंड सेकंड प्रॉब्लम। अभी हमें आंसर पे आ जाते हैं। आंसर में हम लोगों ने क्या किया था उधर, कि हम लोगों ने परमिटेशन कॉम्बिनेशन मारा है, ठीक है। अभी दो चीज़ वैसे वर्षा हो सकती है जो कि हम लोगों ने इधर फाइंड आंसर मेथड ने लिखी है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कलर 1 से करो और सेकंड प्रॉब्लम जो है वो कलर 2 से करो। अदरवाइज आप दूसरी तरीके से कर सकते हो कि सेकंड प्रॉब्लम है वो कलर 1 से करो और फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो कलर 2 से करो, ठीक है। तो उन दोनों का टोटल कर लो, 1 एंड 2 और 2 एंड 1, और उनमें से जो भी मिनिमम आएगा वो हमारा होगा
आंसर, ठीक है, वो हमारा होगा रिजल्ट। अभी मैं आपको एक बार प्रॉब्लम रन करके दिखा देता हूं। सो हमको हम एक ही टेस्ट केस करते हैं, वन, ठीक है, बलून का प्राइस कितना है, 9, 6, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 10, और मैंने ये जो है इनपुट कॉपी किया हुआ है तो हम लोगों ने ये डाल दिया, एंड हम लोग एंटर करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है 16, विच इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो ये चीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको कोई और कोड चेंज करना है, कोई और कोड सॉल्व करना है जो कि हम सॉल्व करें, तो आप लोग ये चीज़ हम ये कमेंट में बता सकते हैं तो हम लोग कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई ये कोड की ब्लॉक की लिंक चाहिए या कोड चाहिए, ठीक है, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फेसबुक के पेज के ऊपर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।